आज सोमवार 6 जून 2022 को दिल्ली के जंतर मंतर पर श्री सम्मेश शिखर जी की पवित्रता और स्वतंत्र पहचान के लिए केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कराने हेतु विश्व जैन संगठन के संयोजन में सकल जैन समाज द्वारा विशाल विरोध सभा का आयोजन किया गया। हम विशेष आभार व्यक्त करना चाहेंगे मुख्य संयोजक संजय जैन जी का, जिन्होंने नमोकार चैनल को इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए सादर आमंत्रित किया। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ झलकियां यहां पर देखें और पूरा कार्यक्रम देखने के लिए नमोकार जैन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी नमोकार चैनल के माध्यम से अपना कार्यक्रम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। जय जिनेंद्र। जागो चेतो उठो जैनियों हो जाओ तैयार। कहीं शिखर जी भी ना बन जाए दूजा गिरनार, उठा लो कसम सभी ये न होने दोगे कभी ये। देख रही है फिर से मूक दर्शक बनकर सरकार, कहीं शिखर जी भी ना बन जाए दूजा गिरनार, उठा लो कसम सभी ये न होने दोगे कभी ये। जातिवाद और पंथवाद को भूल हमें बढ़ना होगा, अपने अधिकारों के लिए हम सबको फिर लड़ना होगा। अहिंसक हैं हम कायर नहीं है जग को बतलाना होगा। दुस्साहस करने वालों को अंजाम भी दिखलाना होगा। आंच शिखर जी पर आई तो गूंजेगी ललकार, कहीं शिखर जी भी ना बन जाए दूजा गिरनार, उठा लो कसम सभी ये न होने दोगे कभी ये। तीर्थराज को कभी पर्यटन केंद्र नहीं बनने देंगे, हिंसक वृत्ति के साथ किसी को यहाँ नहीं चढ़ने देंगे। बर्दाश्त न होगा पर्वत पर गर मदिरा मांस का सेवन हो, गर तीर्थराज की शुद्धि खंडित कभी किसी के कारण हो। है तीर्थ सुरक्षा सर्वोपरि बन जाओ पहरेदार, कहीं शिखर जी भी ना बन जाए दूजा गिरनार, उठा लो कसम सभी ये न होने दोगे कभी ये। देखिए 2 अगस्त 2019 को झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसकी सूचना 17 मार्च 2022 को हमें पता चला। 3 साल वो गजट नोटिफिकेशन की जानकारी समाज को नहीं थी, क्योंकि झारखंड सरकार ने जब गजट नोटिफिकेशन जारी किया तो उस समय उसको जैसे दो अखबारों में 60
60 दिन के लिए पब्लिश करना था ताकि समाज अपनी आपत्ति या सुझाव प्रेषित कर सके। यह गुपचुप तरीके से वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया, जिसकी जानकारी 17 मार्च को हमें मिली 2022 को, और हमने तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए वन मंत्रालय और झारखंड सरकार को लिखा कि आपने जो गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ये हमें जैन समाज को स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपने जो गुपचुप तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया है इसमें 132 लोगों ने अपने सुझाव भेजे जिसमें से एक भी जैन नहीं है। आपने उस गजट के अंदर लिखा कि जैन समाज जैन धर्म का एक तीर्थ माना जाता है। आपने वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भाग श्री सम्मेश शिखर, जहाँ से जैन धर्म के 20 जैन तीर्थंकर मोक्ष गए, अनंत संत मोक्ष गए, जो अनादिकाल से है श्री सम्मेश शिखर, और 2800 साल पहले भगवान पारसनाथ 23वें जैन तीर्थंकर पारसनाथ के नाम पर पारसनाथ हिल के नाम से प्रसिद्ध है। आपने उसको वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भाग घोषित कर दिया, वो भी जैन समाज की जानकारी के बिना। इसके आप लिखते हैं माना जाता है, कंसिडर्ड नहीं, वो तो है, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। जैसे अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि है, इसी प्रकार से श्री सम्मेश शिखर से 20 जैन तीर्थंकर मोक्ष गए। हमारे द्वारा 17 मार्च को, 26 मार्च को, 6 अप्रैल को, 26 मई को माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे वन मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ है, झारखंड सरकार है, हमारे द्वारा सबको जो है हमें बताया गया, चिट्ठियाँ भेजी गई, लेकिन आज तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। चिट्ठियों को इधर उधर भेजा जा रहा है, जिससे सकल जैन समाज में रोष है। और आज आप देख ही रहे हैं, इतनी भरी गर्मी में भी दिल्ली नहीं अपितु दूर दूर से भी लोग यहाँ जंतर मंतर पर आए और सरकार से मांग की कि कृपया आप अविलंब इस नोटिफिकेशन को रद्द करें, और इसके अंदर जो भी गतिविधियाँ पारसनाथ हिल और मधुबन से संबंधित हैं उसको हम बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, और जब तक ये नोटिफिकेशन रद्द नहीं होगा जैन समाज शांत नहीं रहेगा। आज इस मंच से, जंतर मंतर के इस मंच से हमने घोषणा की है 2 अगस्त 2022 को, हम अगर 1 अगस्त 2022 तक आपने अगर इस नोटिफिकेशन को रद्द नहीं किया, 2 अगस्त 2022 को हम इसे काला दिवस के रूप में मनाएंगे, और अपना जब तक ये रद्द नहीं होगा आमरण अनशन करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी कदम उठाना पड़े।